हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं कोरोना की वैक्सीन के लिए, उसको लेकर आए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो है गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, उनके वेबसाइट पे प्रेजेंट है। उन क्वेश्चंस को हम दो या तीन वीडियो में देखेंगे। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए चेक कर सकते हो उसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में कौन सी कोविड वैक्सीन जो है वो लाइसेंस्ड है। तो इंडिया में इस समय दो वैक्सीन जो है वो लाइसेंस्ड है। एक है कोविशील्ड जो कि मैनुफैक्चर्ड बाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, दूसरी है कोवैक्सीन जो कि मैनुफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक लिमिटेड है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो ये EUA प्रोसेस है ये नया है जो कि कोविड वैक्सीन के लिए लागू हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे EUA है क्या। ये है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और ये प्रोसेस जो है वो नया नहीं है बिल्कुल भी। ये गवर्नमेंट ने कई बार लागू किया है जब भी ऐसे ही डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, जैसे कि एंथ्रेक्स में, इबोला में, इन्फ्लुएंजा में, स्वाइन फ्लू में, तो बहुत बारी से लागू किया गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये जो वैक्सीन है ये लागू होने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इसके या नहीं। तो आंसर यस है, जो वैक्सीन है उसने फेज वन और फेज टू का ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और कोविशील्ड ने जो है फेज थ्री का ट्रायल भी UK में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फेज वन, फेज टू और फेज थ्री जो क्लिनिकल ट्रायल है ये क्या है। सबसे पहले प्री क्लिनिकल है, इसमें वैक्सीन का जो है डेवलपमेंट होता है, बनाई जाती है। फेज वन में कुछ लोगों के ऊपर वैक्सीन जो है वो दी जाती है, उसका सेफ्टी देखी जाती है, उसका इम्यून रिस्पॉन्स देखा जाता है, और उसकी डोजेस कितनी दे ये देखी जाती है। फेज टू में 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्वांटिटी जो है पार्टिसिपेंट्स की बढ़ जाती है, और सेम रिस्पॉन्स जो है शॉर्ट ड्यूरेशन रिस्पॉन्स वो देखा जाता है। थर्ड क्लिनिकल जो फेज होता है उसमें वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो देखी जाती है डिसीज़ के अगेंस्ट, और सेफ्टी देखी जाती है बहुत सारे लोगों के ग्रुप के अंदर, और लंबे ड्यूरेशन पे 1 to 2 years पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वैक्सीन है बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है। वैसे तो कोविड जो है वो हर एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टैलिटी जो है, मतलब ज़्यादा सीवियर फॉर्म जो है वो अडल्ट्स में देखा जा रहा है अबव 50 years ऑफ एज, और चिल्ड्रन में या तो वो एसिम्प्टोमेटिक है या फिर बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन शो हो रहा है। वैसे भी जनरल प्रैक्टिस में हमेशा ही पहले ओल्डर पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर इफेक्टिवनेस देखी जाती है, फिर बच्चों पर आया जाता है, और अभी तक कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं बच्चों के ऊपर, इसलिए बच्चों को नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हेल्थ वर्कर्स की तरफ से है कि उनकी फैमिली भी हायर रिस्क पे है, तो उनकी वैक्सीनेशन का क्या कैसे। तो इसमें हेल्थ वर्कर्स जो भी हैं उन्हें तो वैक्सीन सबसे पहले लगी ही गई है, और बाकी एज पर द एज स्पेसिफिकेशन आता जाएगा तभी फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेशन लगेगी। नेक्स्ट है, क्या जो ये कोविशील्ड वैक्सीनेशन लग रही है ये UK में जो एस्ट्राजेनेका लग रही है उसी की जैसी है। तो बिल्कुल ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, एक ही टेक्नोलॉजी से बन रही हैं दोनों वैक्सीनेशंस जो हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डोज शेड्यूल है दोनों वैक्सीन का वो क्या है। तो जो कोविशील्ड है उसकी फर्स्ट डोज के अप्रॉक्स 4 to 6 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लग रही है, और जो कोवैक्सीन है वो ऑलमोस्ट 28 डेज के इंटरवल पे लग रही है। तो ऐसे दो सेकेंड डोज इन दोनों की लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेरे पास चॉइस है मैं कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो लगवाऊँ।
तो फिलहाल इस समय आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन लग रही है वो उसकी अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग लग रही है कि कौन सी एरिया में कौन सी अवेलेबल हो पा रही है, तो आपके पास चॉइस नहीं है फिलहाल। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।